जश्न ईद उल मिलाद उल नबी हम लोग मनाते हैं और पूरी दरगाह शरीफ को हम सजाते हैं लाइट और डेकोरेशन के ज़रिए, क्योंकि हुजूर की 12 तारीख को आमद है, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम लोग हुजूर की उम्मत में पैदा हुए और आज कलमा शहादत पढ़ने का हमको शर्फ हासिल हुआ। तो कुरान भी आज हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के ज़रिए से अल्लाह ने उनके वसीले से हम तक पहुँचाया। आज गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी पे कुरान लेके आए और लोगों को बताया कि कुरान के बारे में कुरान क्या है। तो इसी तरीके से हक और सच्चाई की बातें हुजूर गरीब नवाज ने बताई और हक पे कायम रहने के लिए लोगों को रुझान किया और लोगों को आगाह किया, ये बताते हुए कि हक के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने भी अपनी शहादत दी और अपने सर को कटाया। बातिल के हाथ में अपना हाथ ना दिया, बातिल ने कहा कि तुम्हारे को तख्त और ताज सब दूंगा लेकिन मेरी बात दुनिया के सामने रखो, आपने कहना ही जो हक है वो हक रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा। आपने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया और हक के लिए अपना सर कटाना मंजूर किया। ये हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के नवासे हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन, जो इमाम हुसैन हैं जिन्होंने मैदान करबला में अपने सर को शहीद किया।